5 साल से इसी जगह पड़ी हुई है, देख सकते हो हालत इसकी। यहाँ पे चूहों ने अपना घर बना लिया था इसके अंदर। हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज के इस व्लॉग में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मतलब अगर आप बाइक लवर हो तो जरूर से आप ये पूरी वीडियो देखना, और अगर आप बाइक लवर नहीं भी हो तो मेरे को लगता है फिर भी आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी जो बाइक है वो बहुत टाइम से मतलब पड़ी है, मतलब ऑलमोस्ट 5 साल हो गए वो एक ही जगह पर रखी हुई है। उसकी कंडीशन अगर आप अभी देखोगे तो आप बोलोगे भाई इस पर क्या जुलूम करा है तुमने। तो चलो देखते हैं बाइक, और पहले सबसे पहले उसको देखेंगे कैसी हो रही है वो, उसमें पेट्रोल है या नहीं, उसके बाद उसको धोना है, फिर उसके बाद स्टार्ट कैसे करेंगे क्योंकि उसमें किक भी नहीं होती, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है इस व्लॉग में। चलो देखते हैं। तो ये है एवेंजर 220, 5 साल से इसी जगह पड़ी हुई है, देख सकते हो हालत इसकी। मेरे से ज़्यादा इसकी फिक्र मेरे दोस्तों को थी, वो सब मेरे को बोलते थे यार अपनी गाड़ी को निकाल, पर देख लो हालत देखो इसकी। पहले ऊपर ऊपर से चीजें निकाल ले सारी। क्रिकेट किट की हालत क्या है? रखा है इसमें चूहों ने। ऐसे झटक दे, ऐसे साफ मत कर। हाँ ऐसे झटक पूरी, बहुत टाइम से सोच रहे पर है ना, थोड़ा थोड़ा दिन में कुछ ना कुछ हो जाता है, वो बाद में करेंगे। 2 hours later. इसको 2 घंटे तक धोने के बाद मैं नहाया और खुद रेडी हुआ। उसके बाद हमारी दूसरी वाली बाइक है उससे इसको खींच के हम वहाँ पे ले जा रहे हैं जहाँ पे इस बाइक को ठीक करवाने वाले हैं, क्योंकि यार ये बहुत टाइम से जाम हो गई है पड़ी पड़ी, और मतलब इसका टायर जो है बहुत ऐसा चल रहा है जैसे कि यार अटक रहा है कहीं पर। बीच में एक अंडर ब्रिज भी आता है, वहाँ पर हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि हम इसको ले जाने में इतना थक गए थे कि रिकॉर्ड कैसे करते। इसको शॉप पर लाए तो भैया ने बोला कि सबसे पहले तो इसकी जो बैटरी है वो नई लेके आनी पड़ेगी, ये वाली बैटरी इसकी ख़राब हो गई है, आप बैटरी लेकर आओ तब तक इसको देखते हैं हम इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम है। तो जब तक बैटरी लेकर आए यहाँ पे भैया ने इस बाइक का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। का जो कार्बोरेटर होता है उसको खोल के ठीक कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर जो पुराना पेट्रोल पड़ा था वो जम गया था अंदर से, तो उसको साफ करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा इनको। और इसको साफ करने के बाद वापस से लगाया और नई वाली जो बैटरी लाए थे वो भी इसमें लगा दी, लेकिन बैटरी लगाने के बाद भी ये स्टार्ट नहीं हो रही थी, और स्टार्ट हो भी रही थी तो जो चोक होता है उसको खींचना पड़ रहा था। जैसे ही इस चोक को बंद करते हैं बाइक भी बंद हो जाती है, तो ये सिर्फ चोक से ही चालू हो रही है, अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। और इसका जो एयर फिल्टर है वो भी नया लगाना पड़ेगा। तो इन भैया ने बोला है कि यार ये कार्बोरेटर वापस से निकाल के फिर से ट्राई करते हैं एक और बार। तो सेकेंड ट्राई में ये बाइक स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे चूहों ने अपना घर बना लिया था इसके अंदर, और ऑयल का तो यहाँ पे नमक बन गया है। सुबह से शाम हो गई हमको इस बाइक को ठीक कराते हुए, लेकिन लास्ट में पता लगा कि बाइक तो चालू हो गई लेकिन इसके आगे का टायर जो है पंचर है। तो पास की शॉप में हम इसका पंचर निकलवाने आए, और यहाँ पे जैसे इस टायर को खोला उन्होंने बताया कि यार इसका जो ट्यूब है वो भी ख़राब है, तो इसका ट्यूब जो है वो नया लगाना पड़ेगा। तो चलो लगे आज नया ट्यूब भी लगवा ही लेते। लेकिन फाइनली बाइक हो गई है ठीक, एकदम सही हो गई है। अभी तो उसने बोला है कि 2-3 दिन आप चला के देखो, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर आ जाना, तो वो कर देंगे ठीक अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो, क्योंकि अब उन्होंने बैटरी नहीं लगा दी है,
प्लस इसका आगे का टायर भी पंचर था बाद में पता लगा, तो उसका ट्यूब जो होता है वो भी चेंज करा है, वो भी नया लगवाया है। और दो तीन चीजें जो इस बाइक की अब मतलब अवेलेबल ही नहीं है कहीं पे भी, आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो भी नहीं मिलने वाली, शोरूम पे भी पूछ लिया है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बंद हो गई कंपनी से। और इस व्लॉग की एंडिंग हम कल ही करेंगे, तो चलो नेक्स्ट क्लिप में। तो गाइज़ हमारी बाइक हो गई एकदम कंप्लीट, जैसा कि हमने कल पूरा दिन लगाया इस बाइक को ठीक करवाने में। उन भैया ने भी बोला है कि यार बाइक अच्छी हो गई है, मतलब गुड न्यूज़ ये है कि बाइक चालू हो गई है, क्योंकि इसका कार्बोरेटर है उन्होंने बोला था नया लगेगा, तो हमने सोचा यार यही ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। पर दो तीन ट्राई के बाद उन्होंने ठीक कर दिया, और आगे का टायर थोड़ा सा जाम चल रहा है, उन्होंने बोला दो तीन दिन चलाओ तो हो जाएगा ठीक। तो देखते हैं अब दो तीन दिन चला के अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो एक बार और उनको दिखा देंगे। कवर भी चेंज करवा लिया है ये सीट को, और आप देख सकते हो ब्लैक कलर का स्पेयर लगवा लिया है। ये जो आप देख रहे हो ये लोग इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, फ्यूल वाला जो देख रहे हो आप, तो ये जो स्विच है ये खराब हो गया था, इसमें से पेट्रोल लीक हो रहा था, तो हमने ये भी नया लगवाया है। और वो बोल रहे थे कि यार इसका ओरिजिनल तो मिलता नहीं है तो ये लोकल वाला ही लगाना पड़ता है। और कल जो है बाइक हमारी स्टार्ट नहीं हो रही थी वहाँ पे, ये चोक लगा के ही स्टार्ट कर रहे थे वो, तो फिर उसके बाद उन्होंने एक बार और ट्राई किया और जो यहाँ पे कार्बोरेटर होता है इसको निकाला, फिर साफ करके फिर लगाया तो वो चालू हो गया। अभी ये थोड़ी हीट हो रही है, ज़्यादा नहीं चलेगी, हम मुझसे घर से यहाँ पे आए इसमें थोड़ी हीट हो रही है। अगर गाइज आप चाहते हो कि इस बाइक में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हम करवाएं, अगर आपको ये सब पसंद है मॉडिफिकेशन वगैरह, तो मेरे को कमेंट करके बताना। अगर इस वीडियो पे 1K लाइक्स आते हैं तो हम इसमें छोटा मोटा थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करवाएंगे, जो भी मेरे को करवाना था बहुत टाइम से वो हम इसमें करवाने वाले हैं, अगर आप इस वीडियो पे 1K लाइक करवा देते हो तो। और गाइज़ मेरे को एक और चीज़ कमेंट करके बताना, मैंने अपने दूसरे चैनल पे एक राजदूत बाइक की मॉडिफिकेशन वाली वीडियो डाली थी, तो क्या हमको इस वाले चैनल पे भी उसका व्लॉग डालना चाहिए? कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।